my dear friends and my dear students. Welcome to Vijaya Tutorial. Here and there you don't run. Subscribe this wonderful channel as learning here become fun. So dear students, today again I have brought a description activity for the students of KG first and second. And today I'm going to tell you about cow. So as I have told you in earlier video that whenever you are going to do description activity, so you should make a wonderful picture of that particular item about which you are going to describe. So after that you can take, as per the class, you can take sentences from here. For example, it is KG class, you can begin with 5 sentences. If it is 5th class, we can do 10. If it is 2nd, so we can do 12 and more than that as well. So what we will do, these sentences we can use. First of all, cow is a domestic animal. So domestic means, what is the meaning of domestic? पालतू नहीं होता, that is pet, घरेलू जानवर है ये. Domestic का मतलब वो animals जिनको हम घरों में पालते हैं. So cow is a domestic animal. कुछ लोग pet भी लिख लेते हैं, but ये pet animal नहीं है, क्योंकि जो pet animals होते हैं उनको हम शौक के लिए रखते हैं. लेकिन domestic animals शौक के लिए नहीं रखा जाता, वो हम कोई ना कोई फायदे के लिए रखते हैं, हमें उससे कोई ना कोई advantage होता है, कोई ना कोई benefit होता है. So cow is a domestic animal. It eats grass, घास खाती है. It is herbivore. So आप क्लास के हिसाब से herbivore वर्ड लो या domestic वर्ड लीजिए, क्लास के हिसाब से लीजिएगा, right? So herbivore का मतलब वो animals जो घास खाते हैं. So it has 2 eyes, ears and horns. मैंने एक साथ ये ले लिया है, आपकी क्लास छोटी है तो आप इनको 3 sentences में cover कर सकते हो. Horns होते हैं सींग, तो आप इस पर्टिकुलर एक लाइन के आप 3 sentences भी बना सकते हैं, क्लास के हिसाब से आप कीजिएगा. It has a tail, इसकी एक पूंछ होती है. It has 4 legs and teats. So इधर भी आपके 2 sentences बन सकते हैं. So teats का मतलब होता है थन. So गाय के 4 पैर होते हैं और 4 थन होते हैं. अगेन आप यहाँ पे 2 sentences बना सकते हैं, और मैं आपको कह रही हूँ डिफिकल्टी के हिसाब से आप सेंटेंस चूज कीजिए. ओके, नेक्स्ट, इट्स बेबी इज काफ. गाय के बच्चे को हम काफ कहते हैं. इट मूव्स, मूव्स का मतलब जो साउंड होती है, गाय जो साउंड क्रिएट करती है उसको हम मूव्स कहते हैं, और हिंदी में वो होता है रंभाना. सेकेंडली, इट गिव्स मिल्क, ये हमें दूध देती है. इट इज प्रेड, हम लोग वर्शिप डी लिखाते हैं बट उसकी स्पेलिंग बच्चे गलत करते हैं, तो हमने प्रेड वर्ड लिया कि प्रे वर्ड इजी, उसमें ईडी लगाएंगे. इसका मतलब इनकी पूजा की जाती है, गाय की भारत में पूजा की जाती है. इट इज कॉल्ड गौ माता, और हम गाय को भारत में गौ माता भी कहते हैं. सो ये 11 sentences हैं, लेकिन ये तो more than this हैं. अगर आप इसको अलग अलग लिखोगे तो ये 15-16 sentences होंगे. बच्चों के लेवल के हिसाब से आप कोई भी सेंटेंस से पिक कीजिए और फिर बच्चों को आराम से लिखवाओ और उनको समझाओ. सो इस प्रकार डिस्क्रिप्शन आर्टिकल्स मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी, ताकि आप लोगों को विजय मैम से काफ़ी सारी हेल्प मिले. आपको ये वीडियो कैसे लगती है, आप इसको लाइक कीजिए, आप इसको शेयर कीजिए, और मुझे बेसब्री से आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स का इंतजार होता है. कॉम्प्लीमेंट्स भेजने के लिए बिल्कुल भी आप कंजूसी मत किया कीजिए. थैंक यू.